वेलकम टू न्यूज़ बॉबल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय जो आपका क्लास 6 के एडमिशन के एंट्रेंस फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके जो है आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन उसका कैसे करना है, इसमें आपकी योग्यता क्या क्या रहेगी और आपकी जो एज क्राइटेरिया वो क्या है, क्या आपने कक्षा 5 कर ली है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, या फिर कक्षा 5 में है अपेयरिंग में है वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका कंप्लीट मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। जहाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ बाबा हमेशा गवर्नमेंट रिलेटेड हर प्रकार की वीडियोस, नोटिफिकेशन, एडमिशंस, रिजल्ट, एडमिट कार्ड्स, आंसर कीज़ वगैरह जितनी भी है सभी सबसे पहले लेकर आता है। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जहाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एडमिशन के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जहाँ दोस्तों, मेन वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर के उसमें वहाँ पर भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन फॉर द जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट क्लास 6 2019 और 2020 जो आपका रहेगा वो उसकी PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपकी ये नोटिफिकेशन होम स्क्रीन पर भी चली हुई है, आप यहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां दोस्तों, मैं दिखा देता हूं इसकी नोटिफिकेशन अब आपको। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं जो इसके आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है की डेट वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन आपका फॉर्म चला हुआ है, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम जो है आपका 6 अप्रैल 2019 को आपका एग्ज़ाम होगा, 6 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। या दोस्तों, और उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। 30 नवंबर से पहले पहले आप इसको फॉर्म को भर लीजिए। आपको या तो फिर आपकी क्लास 5 में आपने कंप्लीट कर ली हो, या फिर आप क्लास 5 में हो, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। या दोस्तों, जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका लास्ट वीक ऑफ द मई, यानी मई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो उसके एग्ज़ाम में आएगा वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। आपका अरिथमेटिकल टेस्ट यानी मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज टेस्ट यानी आपका इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे वो 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 80 क्वेश्चन आपके होंगे। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों, जो आपके दिव्यांग स्टूडेंट हो गए उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी, दिव्यांग स्टूडेंटों के लिए आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएगी। जहाँ दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन आपको PDF चैनल पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें लास्ट में आपका जो है टेस्ट का पैटर्न दिया हुआ है कि आपका टेस्ट कैसे आएगा, किस हिसाब से पार्ट 1 में आपका क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो आपका यहाँ पे सभी दिया हुआ है, और उसके बाद आपका फिगर मैचिंग वगैरह जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सभी आप कंप्लीट में चेक कर सकते हो। 6th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों, आप इसको ज़रूर फॉर्म को भर के ज़रूर आप इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर देख लें कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, इस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी दिया हुआ है कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। जहाँ दोस्तों, इसको आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और कंप्लीट में देख लीजिए, इसमें फिर आपका फॉर्म भरने का एक आपका जो है ये भी दिया हुआ है, फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इसको भरकर भी भेज सकते हो ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका। या दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्लिक करके इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 2019 और 2020 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इसमें 2 स्टेप है, 2 स्टेप आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करने हैं, और 5वीं क्लास का आपको जो है सर्टिफिकेट वो आपको इसमें डिटेल डालनी है और फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट आपको यहाँ पर क्लिक करके इस वाले कॉलम से आपको मिल जाएगा कि आपका स्टेट कौन सा है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सभी स्टेट दिए हुए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, सभी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं वो सेलेक्ट आप यहाँ से करें। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक दिया हुआ है आपका, जो भी ब्लॉक होगा आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको
यहाँ पे स्कूल की आपकी लिस्ट देगी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको वो वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है। या दोस्तों उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम डालना है, जो भी आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो आपका नाम होगा वो डालना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल पर्सनली मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP भी आएगा, यानी मैसेज आएगा एक, और डेट ऑफ बर्थ आपको अकॉर्डिंग टू मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट सही डालनी है, वो आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिया हुआ है ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में आपको क्या डालना है कि आपको जो है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। उसके बाद आपको फिफ्थ क्लास की अपनी डिटेल डाल देनी है। अगर आप फिफ्थ क्लास आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप पास की डिटेल डालोगे, अगर नहीं किया तो आप अपेयरिंग डालोगे कि 2019 में आप जो है कंप्लीट करोगे, ये ऐसे अपेयरिंग डालने के बाद। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो आपका परफॉर्मा होगा वो फ्यूचर के लिए रख लेना है, निकाल के प्रिंट निकाल के उसको पोस्ट कर देना है। और दोस्तों आपने जो है एग्ज़ाम की अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, और जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है वो आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहाँ ज्वाइन होकर उससे PDF डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लास 9th के लिए, अगर 9th का आपको फॉर्म भरना है तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। 9th का फॉर्म अलग है और उसका जो लिंक है वो भी अलग दिया हुआ उन्होंने, आप वहाँ से 9th क्लास के लिए भी अपना फॉर्म भर सकते हो। जहाँ दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू हमेशा ऐसी वीडियोज लेकर आता है। मिलते हैं कोई अच्छी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।